दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन नीता अंबानी अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मुंबई इंडियंस के ज्यादातर मैचों में दिखाई देती है। नीता व उनके बेटे स्टेडियम में बैठ टीम को सपोर्ट करते नजर आते हैं। वैसे तो नीता अंबानी के लिए मुंबई इंडियंस के सभी खिलाड़ी महत्वपूर्ण और एक जैसे हैं, परंतु एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसे नीता सबसे अलग मानती है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, भारतीय टीम के धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या है। हार्दिक और उनके भाई कुणाल पंड्या मुंबई के लिए खेलते हुए बेहतर प्रदर्शन भी करते रहे हैं। आईपीएल 2018 नीलामी प्रक्रिया में भी नीता अंबानी ने इन दोनों को हाथ से जाने नहीं दिया। नीता अंबानी मैच के बाद सबसे पहले हार्दिक को गले लगाती है। हम ये कहे कि आज हार्दिक जो भी है नीता व उनके पति मुकेश की वजह से है तो गलत नहीं होगा। नीता हमेशा हार्दिक को सहयोग और बढ़ावा देते आई है और उनके खेल से भी वह काफी प्रभावित है। हाल ही में नीता ने हार्दिक और उनके परिवार की इमोशनल कहानी सुनाई थी, जिसमें उन्होंने दोनों भाइयों के परिश्रम और आर्थिक स्थिति भी बयां की थी। नीता कहती है, एक समय ऐसा था जब दोनों भाई 300 रुपये के लिए गुजरात में गाँव में क्रिकेट खेलने जाया करते थे। वही दोनों भाइयों ने पहले अपने जीवन में बहुत संघर्ष की, या यहाँ तक कि लोकल ट्रेनों से भी वे सफर कर जाते थे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।